चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही है कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 5 का जो पॉइंट है आपका सेवा क्षेत्र का भाग, उसको पढ़ाएंगे। मैं बता दूं आप लोगों को, सेवा क्षेत्र के दो भाग हैं, एक तो सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में आपको जैसे बस सेवा मिल रही है, तो बस दो तरह की है यहाँ पर, एक तो सरकारी बस, एक प्राइवेट बस। इसी तरह से बहुत सारे सेवा क्षेत्र हैं जो दो भाग में बटा हुआ है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। अर्थात सरकारी सेवा क्षेत्र उसको कहते हैं जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है, और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र उसको कहते हैं जिसका संचालन निजी लोगों द्वारा, निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसको गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात क्लियर हो गया कि सेवा क्षेत्र के प्रमुख दो भाग। जी, एक नंबर में लिखिए सरकारी, सेवा क्षेत्र, और दूसरा नंबर में लिखिए गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। जी, यही दो है, दोनों को पढ़ना है एक-एक करके। तो मैंने अभी बताया सरकारी सेवा क्षेत्र का, कि वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है उसको कहते हैं सरकारी सेवा क्षेत्र, और गैर सरकारी में कहते हैं कि वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन निजी व्यक्ति द्वारा, निजी संस्था द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। तो शायद सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र दोनों आप समझ गए होंगे। अगर दोनों को लेकर फिर भी कोई सस्पेंस है, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी सरकारी सेवा हाँ? क्या कहे, फिर सरकारी सेवा सर फिर से बता दीजिए। बस हम कहेंगे कि वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है उसको सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं, और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहेंगे कि वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन निजी व्यक्ति, निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है उसको कहते हैं गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। मैंने अभी बस की बात किया कि आप यहाँ से सहरसा जाना चाहते हैं, दिल्ली पटना मुंबई जाना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर दो तरह के होगा, एक तो सरकारी बस होगा, एक गैर सरकारी होगा। तो सरकारी बस से जब कीजिएगा आप यात्रा तो सरकारी सेवा हो जाएगा, जब निजी बस से कीजिएगा तो गैर सरकारी सेवा हो जाएगा। जी सर अभियंत्रण सेवा क्या मतलब क्या होता है? सर अभियंत्रण, पहले अभियंत्रण का नाम मतलब जानिए आप क्या होता है। अभियंता होता है ना, अभियंता किसको जी कहते हैं, इंजीनियर को कहते हैं। ये सर ठीक हाँ, तो इंजीनियर वाला सेवा जो हो गया। है। चलिए, तो शायद आप लोग इसको समझ गए, जो कर आपको दिक्कत था वो भी आप कंसेप्ट ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। सरकारी सेवा क्षेत्र देखिए, डेट वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन सरकार द्वारा की जाती है उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे रेल सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वायुयान सेवा, बस सेवा आदि। उसके बाद गैर सरकारी सेवा क्षेत्र, मैंने अभी भी बताया था कि सरकारी सेवा क्षेत्र जो है उसमें से अधिकांशतः गैर सरकारी सेवा क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी बस सेवा, तो बस दोनों है, सरकार के द्वारा भी संचालित होती है और गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा भी संचालित होती है, तो दोनों में आ गया, बस इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। गैर सरकारी सेवा क्षेत्र देखिए, डाय दीजिए वैसा सेवा क्षेत्र जिसका संचालन निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती है उसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे बस सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि। तो इस तरह से आपने
सेवा क्षेत्र का जो भाग था उसको आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है सेवा क्षेत्र का महत्व। जी एक बार जब लिख लिए हैं तो रुकिए इसको, सेवा क्षेत्र का महत्व। मेरे भाई मैं बता दूं आपको, सेवा क्षेत्र का रोजगार उत्पन्न करने में और आय को बढ़ाने में दोनों दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार उत्पन्न करने में तो आज यह दुनिया में नंबर वन पर आ गया है। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि भारत के में जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है उसमें पहले तो कृषि का स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र एक नंबर पर आ गया है रोजगार प्रदान करने में, साथ ही साथ आय प्रदान करने में भी यह एक नंबर पर है। तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यह स्थिति है। तो इस दृष्टि से अर्थात रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से मुख्य रूप से अगर देखा जाता है तो सेवा क्षेत्र का काफी अधिक महत्व है, और आय के दृष्टि से भी इसको अगर देखा जाता है उस दृष्टि से भी इसका काफी अधिक महत्व है। तो शायद सेवा क्षेत्र का महत्व मैंने दो आधार पर बताया, एक तो रोजगार दूसरा आय, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे और भी कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन दो ये प्रमुख आधार है। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे तो सेवा क्षेत्र का महत्व कई दृष्टि से है, लेकिन रोजगार उपलब्ध करने के दृष्टि से इसका काफी अधिक महत्व है। ऐसा देखा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार हो रहा है रोजगार उतना ही बढ़ रहा है। वर्तमान समय में रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों में से सेवा क्षेत्र का स्थान अग्रणीय है। पैराग्राफ चेंज, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जीवन में सेवा क्षेत्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस तरह से आपने सेवा क्षेत्र का जो महत्व था उसको आपने समझ गए, लिख भी लिए होंगे, लेकिन इसको लेकर अगर थोड़ा सा भी सस्पेंस है आपके मन में, कोई भी दिक्कत बुझा रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी सर, रोजगार का मतलब काम उपलब्ध कराना होता है, काम मिलना होता है। रोजगार क्या है सर? तो कहे काम मिलना ही रोजगार है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी तरह के काम करना चाहता है ना, पैसा कमाना चाहता है ना, कोई काम मिलना रोजगार है। सर संचालन का मतलब क्या होता है? संचालन, यस सर, संचालन का मतलब होता है किसी चीज को चलाना। सर बीबीसी का मतलब? हाँ बीनी जी, सर बीबीसी का, सर बीबीसी, बीबीसी का सर, बीबीसी का मतलब हुआ कि कोई अकस्मात अगर घटना घटता है उसको बीबीसी का कहा जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये बीबीसी का हो गया। उसके बाद सर अगर ऑपरेशन का मतलब, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा था। आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।